प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आउं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, हेस्को सेपको स्टेट लाइफ फर्स्ट वुमेन बैंक PIA रोज़वेल्ट रोज़वेल्ट समेत 25 फ़ाल इदारा उहे निजकारी जी लिस्ट में शामिल आहिनि या निजकारी जी लिस्ट ऐवान में पेश कई वई आहे। त हिकु प्रोग्राम जे हिसे में असां हिन ते ॻाल्हाईंदासीं त हीअ हिकु 25 इदारनि जी निजकारी थींदी, हुन जा मईशत कहिड़ा असर थींदा ऐं निजकारी जो फ़ाइदो छा थींदो, नुक़सान कहिड़ा थींदा। हीअ इदारा के रातो राति त कोन ठहिया आहिनि, हिकिड़ो वॾो सफ़र आहे। ऐं हुन खां पोइ जे हिन इदारनि जी निजकारी थींदी त पोइ उन्हनि मुलाज़िमनि जो छा थींदो, ऐं निजकारी छो कबी आहे, उन जा बुनियादी सबबु कहिड़ा हूंदा आहिनि, ऐं पाकिस्तान में हर इदारो निजकारी लाइ तयारु आहे, उन जा बुनियादी सबबु कहिड़ा आहिनि, अहिड़े प्रॉब्लम जे हिसे में असां हिन ते ॻाल्हाईंदासीं। ऐं हिन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त पेट्रोल ते 18% GST ऐं बिजली जे बुनियादी टैरिफ में 5 रुपया वधाइण जी बि IMF तजवीज़ ॾिनी आहे। हाणे IMF ईंदड़ बजट में ईंदड़ लोन जे हवाले सां पाकिस्तान खे कहिड़ी तजवीज़ पई ॾिए, पाकिस्तान कहिड़ी कहिड़नि ॻाल्हियुनि ते हामी भरी आहे, अहिड़े प्रोग्राम जे हिसे में असां इन्हनि ॿिनि अहम मौज़ुनि ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन सां प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमण साहबु, पाण कंहिं तारफ़ जा मोहताज न आहिनि, मुल्क जा मुमताज़ मुआशी माहिर आहिनि, सनतकार आहिनि, ऐं हुन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो मुल्क जो मुमताज़ मुआशी माहिर ऐं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री सां तालुक़ु रखंदड़ जनाब अतीकुर रहमान साहबु, ऐं असांखे जॉइन कंदो मुल्क जो नाले वारो मुआशी माहिर प्रोफेसर मुश्ताक मीराणी साहबु। साईं इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमण साहबु, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं, 25 इदारा निजकारी लाइ तयारु आहिनि, अवां सम्झो पिया त फ़क़ति हाणे इहो ई हल बचियो आहे त हिननि इदारनि खे जी निजकारी कजे, या अवां सम्झो पिया त अञा बि हिन ऑप्शन्स मौजूदु आहिनि, अञा बि अहिड़ा खोड़ सारा रस्ता मौजूदु आहिनि जिन ते हले त ही इदारा बची सघनि था पिया? ॾिसो, इमरान ख़ान जे गवर्नमेंट में जेको आहे सो जंहिंखे अॼुकल्ह असां स्टेट एंटरप्राइज़ SOEs चऊं वेठा जी, उन्हनि जे बारे में इहो फ़ैसिलो थियो हो। ऐं मूंखे यादि आहे हिकिड़े मीटिंग में मां बि हिकिड़ो सॉवरन वेलफेयर फंड जेको आहे क़ाइमु कयो, ऐं इन्हनि सभिनी इदारनि खे जेके बिल्कुलु परफॉर्म न वेठा कनि ऐं टोटल लॉसिस में आहिनि उन्हनि खे उते पार कयो, ऐं जेके हिकिड़ो जेके चइजे त मार्जिनल हिकिड़ो कास्ट ते जेको आहे जेके चइजे त नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐं पर टेंडेंसी ऑफ डेवलपिंग लॉसिस आहिनि उन्हनि खे बि हिते आणियो, ऐं ॿिया जेके बिल्कुलु रिडंडेंट आहिनि तक़रीबन जेको आहे सो बंदि आहिनि, जीअं फॉर एग्ज़ाम्पल कराची में जेको हिकिड़ो इंजीनियरिंग यूनिट जेको PIDC वटि हो, कराची शिपयार्ड जो तमामु वॾो यूनिट आहे, उहो बिल्कुलु बंदि हो पियो हो। हाणे इहे सभु जॾहिं पार्क करण जी जेका आहे सा हिकिड़ियूं काविशूं शुरू थियूं त उनजे पोयां कुझु कंट्रीज़ जा मिसाल हुआ त जेके नॉन परफॉर्मिंग जेके यूनिट्स आहिनि जेके सरकार जा एसेट्स आहिनि, छाकाणि त पाकिस्तान जे GDP साइज़ जो हिकिड़ो वॾो हिसो जेको आहे सो इहे एसेट्स जेके SOEs आहिनि उन्हनि ते मुश्तमिल आहे, ऐं पिणु इहो बि हिकिड़ी हक़ीक़त आहे त इन्हनि ते तव्हां जेकॾहिं ॿुधंदा हूंदव त इन्हनि ते कॾहिं 1000 अरब कॾहिं 1250 अरब ऐं मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि से हिकिड़ा जेके आहिनि लॉसिस जेके आहिनि उन्हनि जे बारे में चयो वेंदो आहे, क्वांटिफाई कयो वेंदो आहे। मुस्तनिद क़िस्म जे टोटल बैलेंस शीटूं ऐं एक्सटर्नल ऑडिट्स जे बेस ते जेके लॉसिस आहिनि उहे क्वांटिफाई इन करे न थिया आहिनि जो काफ़ी कंपनियूज़ जेके आहिनि उन्हनि जा ऑडिट्स 6-6, 8-8 सालनि खां कोन थिया आहिनि। पर थोरी देरि लाइ इन ॻाल्हि खे असां तस्लीम कयूं त इहे इदारा जेके आहिनि से नॉन फंक्शनल बि आहिनि, लॉस मेकिंग बि आहिनि, ऐं गवर्नमेंट ते लॉस मेकिंग जो मतिलबु आहे त हिकिड़ो वधीक भार आहिनि। हाणे इन्हनि खे गवर्नमेंट जेको आहे सो प्राइवेटाइज़ेशन जे ज़रिए जेको आहे सो इन जो हिकिड़ो हल कढियो, न कि इन खे रीस्ट्रक्चर ऐं हिकिड़ी प्रोफेशनल मैनेजमेंट जे हवाले करण लाइ को अल्टरनेटिव सोचो, छाकाणि त इहा बि हिकिड़ी हक़ीक़त आहे त ब्यूरोक्रेसी जेका आहे सा शहीदुल फ़क़ार अली भुट्टो जे वक़्त में जॾहिं हिकिड़ी नेशनलाइज़ेशन जी झील हली त नेशनलाइज़ेशन जे लाइ असां उनखे एडमिनिस्ट्रेटर करण लाइ जेको आहे सो ब्यूरोक्रेसी हुई, उहे चेयरमैन हूंदा हुआ, उहे मैनेजिंग डायरेक्टर हूंदा हुआ, उहे डायरेक्टर फाइनेंसिस हूंदा हुआ, उहे तक़रीबन इन सॼी जेको आहे सो स्ट्रक्चर खे जेको नेशनलाइज़ थियो उनजी सार संभाल लहण लाइ उन्हनि ते डिपेंड कयो वियो त उहे इन्हनि नेशनलाइज़ यूनिट्स में न फ़क़ति जेको आहे सो हिकिड़ो यानी प्रॉफिट मेकिंग ट्रेंड जेको उन ज़माने में काफ़ी हद ते मौजूदु हो उनखे बरक़रार रखंदा, ऐं इन्हनि खे लॉसिस वग़ैरह जे हवाले सां जेको आहे सो इन में जेके इनोवेशन टेक्नोलॉजिकल चेंजिस वधीक डेवलपमेंट ऐं इम्प्रूवमेंट्स बि जेके आहिनि से उन जे ज़रिए थींदियूं
ये जेके आहिनि से हिकिड़ो एसेट, हिकिड़ो प्रॉफिटेबल एसेट हूंदो। हाणे जॾहिं इहा नाकामयाबी जेका आहे सा हिकिड़ी डिकेड्स ते आहे, तांदाज़ लॻाए डिकेड्स थी विया आहिनि ऐं एसओईज़ जेके आहिनि से बिल्कुलु जेको आहे सो उन ऑब्जेक्टिव तहत परफॉर्म न कयो। जेको नेशनलाइजेशन जे पोयां जेको कॉन्सेप्ट हो, जेको डॉक्टर बशर हसन मूंखे यादि आहे ऐं रफ़ी रज़ा हूंदो हो, कुझु हिकिड़ो ग्रुप हो पीपल्स पार्टी में जेको सम्झंदो हो त इहे जेके नेशनलाइजेशन जेको आहे उनखां पोइ इन्हनि जी परफॉर्मेंस जेका आहे सा बहितर थींदी ऐं ख़ासि करे मज़दूरनि जे हवाले सां इहो चयो वियो हो, जंहिंजे लाइ भुट्टे साहब शहीद जे दौर में जेको आहे सो उन जे लाइ काफ़ी हिकिड़ा लेबर लॉज पहिरें दफ़ा पाकिस्तान में हिकिड़ी लेबर प्रोएक्टिव लेबर पॉलिसियूं आहियूं। प्लस उन खां अॻिते तव्हां ॾिसंदो त बेनज़ीर वारे हुकूमत में त हिकिड़ो बेनज़ीर स्टॉक फंड जो तव्हां ॿुधो हूंदो त 12% जेके आहिनि से उहे मज़दूरनि खे उनजी मालिकियत ते ॾिनी वञे। त हिकिड़ी ऑब्जेक्टिव जेके आहिनि से सुठा हुआ। ऑब्जेक्टिव जी थिंकिंग जेका आहे सा हिकिड़ी लेफ्टिज़म जेके जेके चइजे त कैपिटलिज़म खां थोरो परे हुई पर वेझी हुई, छाकाणि त इवन यूनाइटेड किंगडम में जेको आहे सो रेल ऐं जेके बि पब्लिक सेक्टर फैसिलिटीज़ आहिनि उन खां अलावा काफ़ी शयूं आहिनि जेके यूके में सरकार जेको आहे पंहिंजे कंट्रोल में रखियूं आहिनि। प्रॉफिट बेसिस न आहे, सिर्फ़ु इहे आहे त इहो फैसिलिटीज़ माण्हुनि खे ॾिनियूं वञनि, छाकाणि त जेको एंटरप्रनर हूंदो आहे उन जे लाइ मेन्यू पहिरियों ऑब्जेक्टिव हूंदो आहे प्रॉफिट। पर जॾहिं गवर्नमेंट जेको आहे सो अहिड़े क़िस्म जी यूटिलिटीज़ खे जेको आहे सो अवामी मुफ़ादातनि जे हवाले सां हलाईंदी आहे त प्रॉफिट कम परफॉर्मेंस ऐं परफॉर्मेंस कम जेका आहे सा फैसिलिटेशन हूंदी आहे। हाणे इहे सॼी ॻाल्हियूं जेके आहिनि से ज़हन में रखंदे असां अॻिते अचूं त पाकिस्तान में छा इन खां अलावा ॿियो को तरीक़ेकार थी सघे थो प्राइवेटाइज़ेशन जे अलावा। मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में त मां काफ़ी हद ताईं जॾहिं प्राइवेटाइज़ेशन कमीशन जो मेंबर रहियो आहियां 6 साल, त जॾहिं पाकिस्तान स्टील मिल जी ॻाल्हि आई त मां उन्हनि खे इहो चयो, मुंहिंजो वोट हो इन ते, तव्हां हिनखे प्राइवेटाइज़ेशन न कयो, तव्हां हिनखे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आणियो त जीअं जेको आहे सो हिकिड़ो ब्लैंड हुजे, पब्लिक जो हिकिड़ो जेको आहे सो रूट्स ऑफ बिज़नेस ऐं हिकिड़ी फैसिलिटेशन जे हवाले सां गैस थी आहे। हुकूमत इहो सम्झे पई त हाणे ॿियो को हल कोन्हे, इन्हनि खे इन जी निजकारी करणी आहे। अवां बि सम्झो पिया त ॿियो को हल कोन्हे, अवां सम्झो पिया त अञा बि के ऑप्शन्स आहिनि जिन्हनि ते गौर कजे त हीअ इदारा बचाए सघजनि था पिया। ॾिसो जेको असां मुल्क जो जेको हिकिड़ी एनवायरमेंट पे था ॾिसूं, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इनएबिलिटी, जी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इनएबिलिटी प्लस सभु इदारा पब्लिक सेक्टर में तकरीबन तबाही जे किनारे ते पहुची चुका आहिनि। इन्हनि सभिनी खे साम्हूं रखंदे मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में मूंखे बि हाणे नाउमेदी जेका आहे सा मां बि उन नाउमेदी वारे क्लब जो हिकिड़ो मेंबर थियणु पसंदि कंदुसि त इहे इदारा फौरी तौर ते जेको आहे इन्हनि मां हुकूमत जान छॾाए, छाकाणि त हुकूमत वटि कंहिं क़िस्म जो को मैजिकल विंड कोन्हे जंहिंजो हलाए करे इन्हनि इदारनि जा लॉसिस मदीद बर्दाश्त करे। इन करे इन्हनि इदारनि जी प्राइवेटाइज़ेशन ई हिकिड़ो हल आहे। हल ॿिया बि आहिनि पर जेका असां वटि एनवायरमेंट आहे तव्हांजे साम्हूं आहे त एनवायरमेंट इहा आहे त बिजलीअ में, बिजलीअ जे पावर सेक्टर में एफिशंसी जेका आहे इम्प्रूव कयो, उहा न पई थी थिए। तव्हां ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसिस घटायो, उहे बि असां न पिया था करे सघूं। तव्हां पंहिंजी थेफ्ट खे कंट्रोल कयो, उहो बि असां न पिया था करे सघूं। तव्हां जेको आहे सो कहिड़े मिक्स में इन सॼे सेक्टर खे हलायो, हाइड्रो केतिरो, सोलर केतिरो, ॿियूं शयूं केतिरियूं, इते सॼी हिकिड़ी जेका आहे सा हिकिड़ी तबाही आहे, जंहिंखे मां लफ़्ज़ जो इस्तेमालु कंदुसि त टोटली पब्लिक सेक्टर तबाही जे किनारे ते पहुची चुको आहे। इंजीनियर साहब जॾहिं ॻाल्हि कयो पिया त हींअर त नाउमेदी आहे, पर अवां हिकिड़ो लफ़्ज़ ॿियो बि इस्तेमालु कयो त ॿिया बि मिसाल ॿिया बि ऑप्शन आहिनि, त ॿिया ऑप्शन कहिड़ा आहिनि सर? निजकारी खां अलावा अगरि अवां वटि ॿिया ऑप्शन आहिनि त उहे कहिड़ा आहिनि? ॿिया ऑप्शन इहे आहिनि त जेकॾहिं मुल्क जो अवाम जेको आहे सो पंहिंजे चूंडियल नुमाइंदनि खे अहिड़नि खे आणे थो जेके अवामी मुफ़ादात जी अवलियत खे जेको आहे सो पंहिंजो मज़हब सम्झनि था, पॉलिटिकल मज़हब, जॾहिं इन क़िस्म जी जेका आहे सा सूरत हाल पैदा थिए त पोइ ॿिया थोरा ऑप्शन आहिनि।
पर जेकॾहिं उहा सूरत हाल असांखे पैदा थींदे नथी नज़र अचे जी मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में पोइ जेको आहे सो काफ़ी मुश्किल आहे त हिकिड़ो यानी एम पीअ वञे थो स्कूल में ज़ोरीअ बीह करे चए थो कापी कयो जी ॿियो एम पीअ वञे थो उन खां अलावा मां इहे जेकॾहिं तव्हांखे मिसाल ॾियां त इहे तमामु घणा मिसाल आहिनि त जेको कंडक्ट आहे असांजे उन्हनि माण्हुनि जो जेको हिन मुल्क खे हलाइनि वेठा उन्हनि जो कंडक्ट अञा ताईं बि उन ई कलोनियल इंफ्लुएंस जे तहत आहे जंहिंमें अंग्रेज हुकूमत करे विया मालिकियत जेका आहे असां पंहिंजी सो कॉल्ड हिन मुल्कनि ते रखियऊं जेकॾहिं असां जेसिताईं इन सॼे सिस्टम में हिकिड़ी इम्प्रूवमेंट आणण जे लाइ अवाम खे जेको आहे सो पंहिंजे अंदरि उहो शऊर पैदा न थींदो जंहिं तहत इहे तब्दीलियूं ईंदियूं त पोइ मुंहिंजो ख़्यालु आहे हिकिड़ा आख़िरी जेको हिकिड़ो हल आहे उहो इहो ई आहे त असां भुगड़नि जे क़ीमतुनि में शयुनि खे विकिणंदा वञूं कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई जॾहिं विकामी ई मूंखे यादि आहे त उन ज़माने में मां काफ़ी मुतहरिक हुउसि उहो बि हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल सुठो साबित न थियो छाकाणि त गवर्नमेंट जॾहिं प्राइवेटाइज़ेशन करे थी त प्राइवेटाइज़ेशन खां पोइ गवर्नमेंट रेगुलेशन नथी करे पर रेगुलेशन खां वधीक उन्हनि ई पार्टियुनि जी हिकिड़ी पार्टी थी वञे ऐं उन्हनि पार्टियुनि सां मिली जुली करे अवामी मुफ़ादात या एक्सचेकर जा जेके मसाइल आहिनि उन्हनि जो जेको आहे सो बेदरीक इस्तेमालु थो थिए या उहे हानिकार क़िस्म जा कम जेके चइजे त हिक ॿिए खे सेटल करणु जेको आहे जेको आम जेकॾहिं असां अंग्रेज़ी में चऊं ग्राफ्ट वैल्यूज़ जेकॾहिं उहे जेके आहिनि से उन्हनि जो इंफ्लुएंस वधंदो वेंदो उहो प्राइवेटाइज़ेशन खां पोइ बि फ़ाइदो कोन थो थिए पर मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में पर हल छा आहे हिन वक़्तु को हल कोन्हे हिन एनवायरमेंट में सवाइ हिन जे त वधीक लॉसिस पिक न करे छाकाणि त जेका गवर्नमेंट पंहिंजा टैक्स रेवेन्यू उन्हनि जो 71% रुगो इंट्रस्ट पेमेंटुनि जे मद में जेको आहे सो अदायगी करे ऐं उन वटि 7.6% ऑफ द GDP हिन वक़्तु गैप आहे बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर उन एक्सपेंडिचर में इहे लॉसिस जेके आहिनि सो वधीक असां जेकॾहिं एड कंदासीं त एक्सपेंडिचर साइड जेका आहे सा वधीक ख़राबु थींदी ऐं मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में रेवेन्यू साइड जंहिंजे लाइ चयो वञे थो त 30% मज़ीद वधायो उन खां पोइ बि 24% रिसोर्स मोबलाइज़ेशन जेके चइबो आहे PSDP प्लस 7.6 ॾाढो मुश्किल कमु आहे मुश्किल कम खे जेको आहे सो संभालण लाइ शायदि पॉसिबिलिटी मूंखे हिन वक़्तु एबिलिटी पॉसिबिलिटी ऐं प्रोफेशनलिज़म कोन थी नज़र अचे तंहिं करे बहितर आहे त मुंहिंजो ख़्याल आहे इहो हिकिड़ो कड़ो ढुक जंहिंखे चइजे सिंधीअ में को वधीक बहितर लफ़्ज़ बि इस्तेमालु करे सघूं था इन जे शायदि पीअण जी हिकिड़ी अण वणंदड़ ज़रूरत जेका आहे सा पैदा थी चुकी आहे प्राइवेटाइज़ेशन कई थैंक यू वेरी मच वॾी महिरबानी 25 फ़ालेदारा निजकारी जी लिस्ट में आहे न इहा लिस्ट जेका आहे उहा ऐवान में पेश कई वई आहे इन्हनि इदारनि में PII आहे स्टील मिल आहे हेस्को आहे सेप्को आहे जिना कन्वेंशन आहे PII जो रोज़वेल्ट होटल आहे पाकिस्तान इंश्योरेंस कंपनी आहे हाउस बिल्डिंग कारपोरेशन आहे गुडू पावर प्लांट आहे लाहौर फैसलाबाद जा जेके इलेक्ट्रिक कंपनियूं आहिनि उहे सभु हिन लिस्ट में शामिलु आहिनि हीअ जेका निजकारी वारो अमल हाणे थियणु वञे पियो ऐं हुकूमत फ़ैसिलो कयो आहे त निजकारी थींदी इन जा फ़ाइदा कहिड़ा थींदा इन जा नुक़सान कहिड़ा थींदा थियणु छा पियो वञे इहो निजकारी वारो अमल छो ज़रूरी थी वियो आहे प्रोग्राम जे हिसे में बि असां हिन ते ई ॻाल्हाईंदासीं ऐं असांखे अतीक़ुर रहमान साहिबु जॉइन कयो आहे कंहिं तरफ़ जा मोहताज न आहिनि मुल्क जा माशी माहिर आहिनि एक्सपोर्टर आहिनि अतीक साहबु प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद सर बहुत शुक्रिया अतीक साहबु क्या बसि इहो ई हल बचा है कि निजकारी और इहे बि बताईगा कि निजकारी के नुकसानात क्या होते हैं और उसके फवायद क्या होते हैं जी बहुत शुक्रिया देखिए बात सारी की हमने बहुत बात कर ली और अब हर प्रोग्राम में यही बात करते हैं ये जो हमारी लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं जी इन्होंने बहुत खा लिया हमारे टैक्सेस जो डेवलपमेंट में इस्तेमाल होने चाहिए थे वो वहां पे चले गए तो ये बात तो हो गई कि इनको जरूर प्राइवेटाइज कर देना चाहिए और प्राइवेटाइज करने से एक सोल्यूशन नजर आता है कि चीजें ठीक हो जाएंगी और ये जो हमारे टैक्स से पैसा उनको जाता है इनको पालने के लिए और इनकी नॉरिशमेंट के लिए और इनकी सर्वाइवल के लिए इनकी सैलरीज के लिए और इनके सब चीजों को बचाने के लिए उससे कौम बच जाएगी देखिए जो मैं टैक्स देता हूँ वो बहुत कीमती है बहुत मेहनत से मैं कमाता हूँ जी अगर उस टैक्स का मुझे टेंजिबल बेनिफिट नजर नहीं आएगा कि बिजली आती है मेरे पास गटर मेरा नहीं बहता सड़क मेरी बन गई है या और भी बहुत सारी चीजें पानी मेरे घर में आ रहा है
जी तो ये सारी चीजें जब होती भी नजर आती है ना, तो फिर लगता है कि आदमी एक अच्छा टैक्स दे रहा है और टेंजिबल बेनिफिट्स उसको नजर। अब इतनी मेहनत से टैक्स बचा कर टैक्स पे टैक्स दे रहे हैं, तो जब टैक्स दे रहे हैं तो एक इनडायरेक्ट टैक्स भी दे रहे हैं और डायरेक्ट टैक्स भी दे रहे हैं, दोनों किस्म के टैक्स दे रहे हैं। तो वो सारे पैसे अगर हम लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटिटीज को दे दें जी, तो ये जुल्म है। वो अच्छा नहीं लगता कि इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा उन लोगों को दे दें जिनको हम व्हाइट एलिफेंट कह रहे हैं, जिनकी कोई 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 सही होने की सूरत ही नजर नहीं आ रही। अब आपने सवाल किया कि इसके नुकसान क्या है या इसके फायदे क्या है और क्या हुआ कि इनको क्यों प्राइवेटाइज की तरफ ले जा रहे हैं, कोई और तरीका। देखिए तरीका था प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो नहीं सकी कोई कामयाब। इस पे गवर्नमेंटों ने बहुत कोशिश की, आने वाली गवर्नमेंट भी और पिछली गवर्नमेंटों ने भी, सारी गवर्नमेंटों ने इस पे बहुत कोशिश की, लेकिन इसके कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आए। कोई ऐसा इन्वेस्टर सामने नहीं आया जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे इस पे काम करता है। हो सकता है आगे जाकर इस पर कोई सूरत हाल बने, लेकिन फिल वक्त तो सोल्यूशन यही है कि इसको किसी ऐसे हाथ पे दिया जाए जहां पे ये लॉसेस कवर हो जाए और लॉसेस कवर होने के साथ साथ उनकी जो पेमेंट्स है वो टाइम पर हो, उनके वेंडर्स को, उनके स्टाफ को और उनके लोगों को। और इसमें एक चीज जो बहुत जरूरी है जी, जिसका जिक्र मैंने बार बार किया, वो ये कि कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी अदारा प्राइवेटाइज करे तो उसमें जो काम करने वाले हैं उनको जॉबलेस ना किया जाए, क्योंकि ये बहुत अजीब और गरीब सूरत हाल होगी। एम्प्लॉयमेंट लेवल आ गई हमारा इतना आगे बढ़ा हुआ, वो और खराब कर देगा चीजों का। अब ये तो हो गई प्राइवेटाइजेशन की बात, हमने बहुत बातें कर ली कि हमने ये बात भी कर ली कि हम देखें कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल के प्राइसेस हैं, गैस के प्राइसेस हैं, पेट्रोलियम के प्राइसेस हैं, वॉट एवर जो अप एंड डाउन होते रहते हैं, इसमें एनर्जी के प्राइसेस तो कॉन्स्टेंट है बल्कि बढ़ते चले जा रहे हैं, इनके बड़े डेट्रीमेंटल इंपैक्ट्स आ रहे हैं इंडस्ट्री पे भी, मैन्युफैक्चरिंग पे भी, प्रोडक्शन पे भी और हाउस होल्ड पे भी। इस पे भी हमने बहुत बातें कर ली, तो ये बात भी हो गई। मेरा जो आज का जो इस मुख्तसर वक्त में बात करने का मकसद है वो सिर्फ ये है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जरूर एडिशनल टैक्सेस लगाएं। तखमीना लगाया गया कि लगभग 1.3 ट्रिलियन के जो एडिशनल टैक्सेस हैं वो लगाए जाएं, और ताकि वो वाला टारगेट पूरा हो सके जिसको हम कहते हैं एफबीआर का टारगेट, और वो रेवेन्यू टारगेट है 12 से 13 ट्रिलियन रुपए का। अच्छा अतीक साहब, मैं इस पे मैं इस पे सर देखिए मेरी बात कंप्लीट करने दे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके प्रोग्राम से तवज्जो से कहना चाहता हूँ। बिल्डर्स पे लगाएं टैक्स, रियल एस्टेट सेक्टर पे लगाएं, फार्म इम्पैक्ट इनकम पे लगाएं, एग्रीकल्चर पे लगाएं, सैलरी क्लास पे आगे इतना बोझ है उन पे मजीद टैक्स ना लगाएं। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये मेरा पॉइंट, ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो टैक्स दे रहा है वो सैलरीड क्लास ही दे रहा है, ना वो एलीट क्लास दे रहा है ना वो कोई और दे रहा है, वो सैलरीड क्लास ही इसमें घसीटा जा रहा है। लेकिन अतीक साहब ये एक सवाल भी है कि जब हम निजकारी की बात कर रहे हैं और हमारा ये तजुर्बा रहा है, हमारा ये मुशाहदा रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वही लोग जो सरकारी, जब वो इदारे सरकारी सरकार के साथ होते हैं, हुकूमत उनको रन करती है, तो इदारे चल नहीं पाते, उनमें बड़ी मुश्किलात आती हैं। लेकिन वो इदारा जब प्राइवेट हो जाता है तो एकदम वो बूस्टअप कर जाता है, एकदम उसकी जो लॉसेज हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो प्रॉफिटेबल बन जाता है, वही लोग रन करते हैं करते हैं, लोग तो वही हैं। फिर आखिर क्या बात है कि प्राइवेट इदारे बड़े तगड़े चल रहे हैं और सरकारी इदारे जो हैं वो बहुत सुस्त रवि का शिकार? देखिए गवर्नेंस की बात आ जाती है, फिर गुड गवर्नेंस, हम समझते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ ऑनरशिप जब आती है तो गुड गवर्नेंस भी आ जाता है। कोई भी बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस इसलिए नहीं करता कि उसको लॉस हो, वो प्रॉफिट मोटिव के लिए करता है, लिहाजा उसके पास वो तमाम तरीके होते हैं जिसमें वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का ख्याल रखते हुए उन तमाम अदारों को या तो आगे लेके जाता है या उसको ले चलाता है या जो भी कुछ करता है। तो प्राइवेटाइजेशन से उन एक्सपर्ट्स के पास चीजें चली जाती हैं जो बिजनेस मोटिव पे काम कर रहे होते हैं और सब्जेक्ट टू प्रॉफिट काम कर रहे होते हैं, और उनके पास इस बात का सेंस होता है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे करें और ईज ऑफ बिजनेस कैसे करें। ये तमाम इजी फॉर्मूलाज हैं। अगर प्राइवेटाइजेशन जाते तो मैं समझता हूँ आई एम नॉट इन अननेसेसरी इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन, इसके रीजंस हैं। आप देखिए एक साल नहीं, दो साल नहीं, सालों साल से हम देख रहे हैं कि हमारे हार्ड अर्न मनी, जो टैक्स का पैसा है, जो डेवलपमेंट पे इस्तेमाल हो सकता था, जो एजुकेशन पे हो सकता था, जो हेल्थ सर्विसेज को इंप्रूव करने में, जो घर घर क्लीन वाटर पहुंचाने में हो सकता था, जो पानी की किल्लत को खत्म करने पे खर्च हो सकता था, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्च हो सकता था, वो पैसा हम कहीं और दे देते हैं और वो वेस्ट हो जाता है। तो ये सूरत हाल
तो वेरिएबल सी सूरत हाल है और बिल्कुल क्लियर कट बात है कि हमें वो अदारे चाहिए जो मुनाफे पे चल रहे हों, जो मुल्क के रेवेन्यू को बढ़ाते हों, जो मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करते हों, जो नुकसान देना हो जिनका फायदा मुल्क को हासिल हो। पाकिस्तान की इकोनॉमी को सख्त जरूरत है इस बात की। देखिए हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि इस वक्त इकोनॉमिक एंग्जाइटी चल रही है। अच्छा बहुत बड़े अच्छा बड़े इकोनॉमिक साहब, अब इसमें ये उन भी है कि चैलेंजेस को हम जस्टरडे बेसिस पे और बाय विल हमें काम करना है और उनको पूरा करना है। जी। अच्छा आतिक साहब, अब ये नहीं हो सकता कि अब इन इदारों में ये जो इदारे जब जिनकी हम निजकारी करने जा रहे हैं, अब इनमें ये नहीं कि सबके सब इदारे जो हैं वो मुकम्मल लॉसेज में है। कुछ इदारे ऐसे हैं जो फाल भी इदारे हैं, मिसाल स्टेट लाइफ की अगर बात करें कि उसमें इतना लॉस नहीं है जितना बाकी इदारों में है, अगर चाहें तो इसको बेहतर कर सकते हैं। और फिर वो जो जिना कन्वेंशन है या दीगर या हाउस बिल्डिंग कॉरपोरेशन है, ये इदारे तो बेहतर हो सकते हैं अगर इनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो आप बात कर रहे हैं इनको अगर चलाया जाए तो इनकी तो निजकारी बढ़ सकती है। बहुत अच्छी बात आपने की। बात सारी है कि सब कुछ रिलेट करता है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर पर, मैनेजमेंट पे, प्लानिंग पे। किसी भी चीज की प्रॉस्पेरिटी अगर आती है तो वो उसके गुड गवर्नेंस है और मैनेजमेंट प्लानिंग से आती है। हमें सख्त जरूरत है इस बात की कि हम अपने अपनी जो स्ट्रेटेजीज हैं जो इसमें एरर्स हैं उनको हम करें और हम जितना हो सके अपने सोशल रिफॉर्म्स पे ध्यान दें। तो मैं समझता हूं कि ये आपकी बात बिल्कुल सच होकर सामने आ जाएगी कि हम अपनी चीजों को कंट्रोल करने में काम आ जाएंगे। और उसमें को मैं हमेशा एक बात कहता हूं, वी नीड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स विच इज मिसिंग। सो इफ वंस वी आर ऑन द स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, आई एम श्योर के जो अदारे प्रॉफिट दे रहे हैं वो मजीद प्रॉफिट देने लगेंगे, जो लॉसेस में वो भी प्रॉफिट पे आ जाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इट इज सो क्लियर एंड इट इज सो सिस्टमैटिक। देखिए मेजर पॉलिसी रिफॉर्म्स नहीं होंगे काम नहीं बनेगा। मेजर पॉलिसी रिफॉर्म्स हमें करने होंगे, उसमें चंद बातें हैं जो हमने डिस्कस कर ली ऑलरेडी। अतीक साहब बिल्कुल लास्ट में वे फॉरवर्ड क्या है? अब वे फॉरवर्ड यही है कि जितने जल्दी हो सके हम वो पॉलिसी रिफॉर्म्स पे जाएं जिसमें हम इंप्रूव करें अपने टैक्स टू जीडीपी रेशियो, मैंने बात की उसके पैरामीटर पे करें। दूसरा जितना हो सके उतने फास्ट प्राइवेटाइजेशन को करें लॉस मेकिंग पब्लिक एंटिटीज को, और हमें अपने एनर्जी सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए। ये बढ़ती हुई कीमतें एनर्जी सेक्टर की ये जहां मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान पहुंचा रही है, वहां एक आम आदमी को, एक हाउस होल्ड को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। इस इज अनबियरेबल। अब वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? इसी तरह बढ़ सकते हैं कि एनर्जी सेक्टर में कोई रिलीफ आए, और वो रिलीफ की डिमांड हमेशा से रही है और वो तभी आएगी जब इसको प्लानिंग कर लिया जाएगा। फिर वही बात है कि स्ट्रेटेजीज को बना लिया जाएगा, रिफॉर्म्स बना लिए जाएंगे, और इसको करना बहुत, ये हुकूमत की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, जिसमें हम देखते हैं कि हमें अपने एनर्जी सेक्टर को न सिर्फ ये इंप्रूव करना है बल्कि जो हमारी एनर्जी कॉस्ट है उसको हमको रिड्यूस भी करना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पर जो निजकारी का अमल है उस पर अपने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। प्रोग्राम में अगते हुए पाया ज्वाइन किया है प्रोफेसर मुश्ताक मीरानी साहब, मौशी माहिर आहिन, मईशत के पढ़ाईंदड़ आहिन, कें तरफ या मोहताज ना आहिनि। साईं प्रोफेसर मुश्ताक मीरानी साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद, इहो ॿुधाइजो त बाक़ी दुनिया में असांजे आसपास असां ॾिसूं था पिया त उते त नया नया सरकारी इदारा ठहनि था पिया, एक्सपोर्ट वधण जी ॻाल्हि कई पई वञे, ऐं वसीतर नेटवर्क कारोबार जो वसीतर नेटवर्क फैलायो पियो वञे, GDP वधाई पियो वञे। असां बिल्कुलु उन जे उलट न आहियूं त असां पंहिंजा हाणे घर खपाइण ऐं पंहिंजा पंहिंजो सामान खपाइण, पंहिंजा इदारा खपाइण ते अची विया। अच्छा त वॾी महिरबानी तव्हां मूंखे दावत ॾे, इहो पाण ज़हन में रखूं त जमहूरियत जी जेका बुनियादी डेफिनेशन में इहो आहे त जिते अकाउंटेबिलिटी हूंदी उहा ई जमहूरियत आहे, जिते अकाउंटेबिलिटी न हूंदी उते जमहूरियत न आहे। तंहिंजे करे हिते पाकिस्तान में फेक जमहूरियत आहे, न हिते अकाउंटेबिलिटी आहे, न तव्हां ॿियो तव्हां ॾिसो था चौधारी माहौल कीअं पियो थिए, जीअं तकीरूं था कनि असेंबलीअ में या जेको माहौल रहे, त तंहिंजे करे इहो मुंहिंजे ज़हन में आहे इंटरनेशनल अदारनि में हिननि खे हाइब्रिड डेमोक्रेसी रखियो आहे, माना त डेमोक्रेसी बि न आहे, फासिज़म बि न आहे, इन विच में आहे। तंहिंजे करे बदकिस्मती सां ॿियनि मुल्कनि में डेमोक्रेसी सां गॾु अकाउंटेबिलिटी आहे, जेको अदारो आहे उन जो हिकु हिकु जेको रुपियो आहे उनजी अकाउंटेबिलिटी आहे, न उते फेवरटिज़म आहे, न उते इनजस्टिस आहे, न उते रिश्वत आहे, न आहे। इहे इनजे ई करे पिया मुल्क नवां अदारा पिया क़ाइमु कनि पंहिंजे गवर्नमेंट सेक्टर में, त जीअं हू समाज में बहितरी आणणु, इनकम वधाइणु, ऐं उन्हनि जो इनकम जो अल्टीमेटली जेको फ़ाइदो अवामनि खे पहुचे।
यो आए पर मुश्ताक मिरानी साहब अवां समझो पया त यकीनन असा वट एक पॉलिटिकल इकोनॉमी आ वा वाकई वो सजी आ ही असा वट पॉलिटिकल इकोनॉमी आई इकोनॉमी पॉलिटिक्स है पॉलिटिक्स इकोनॉमी का बगैर त आ ही कोन पर अवां नदा समझो त हते जै तरीके से डेमोक्रेसी जो मथो चुथियो वयो है उनमें अवां समझो पया त उनमें बेहतरी जा भी इम्कान आहिन पर एक दफो बीहर अगर असा मैशत ते गाल कयो तो ही जेके भला इदारा जी निजकारी जो फैसलो कयो वयो आहे इन सां भला मैशत ते के असर पवंदा हाकारी या नाकारी थोड़ो ब मिंट ॾियो त मां तव्हांखे तफ़सील सां ॿुधायां त 2018 ऐं 2019 में फाइनेंस मिनिस्ट्रीअ हिकिड़ी रिपोर्ट पेश कई उनमें 44 स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज जंहिंखे SOE पिया चवनि उन्हनि खे निजकारी करणा ऐं उनजो जेको बुक वैल्यू आहे माना कीअं असांखे खपायूं उहो 19,000 billion में खपाइणो आहे या 19 trillion रुपीज़ में जी. ऐं उनमें जेके माण्हू वीचारा कमु था कनि उहे 4,50,000 आहिनि जी. उन खां पोइ उनजी लैंड आहे इम्प्लॉयमेंट अॻिले ॾींहुं चई छॾियोसीं ऐं जेका मनी जनरेट थींदी उहा कीअं डिस्ट्रीब्यूट थींदी वफ़ाक ऐं सूबनि जे हवाले सां जी. ऐं उन खां पोइ जेके हेॾी जेकॾहिं हू अनइम्प्लॉयमेंट जनरेट थी थिए त उन्हनि खे कीअं एब्ज़ॉर्ब कंदो इहे वॾा चढ़ा हिमालय जेका जेको चैलेंजिस इशूज़ आहिनि जेके बदकिस्मत सां IMF जे चवण ते जेकॾहिं तेज़ीअ सां कनि था त तमामु वॾा पॉलिटिकल सियासी ऐं समाजी जेके मसइला कंदा हाणे जेके चवनि था त असां हिन खे प्राइवेटाइज़ कंदासीं खानगाइज़ थिए या ॿियनि खे उन में PI आहे उन न्यूयॉर्क में हिकिड़ो होटल आहे लाहौर में इहे होटल आहे हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कारपोरेशन आहे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस आहे इहे जेके डिस्कोज़ आहे जेके बिजलीअ जूं जेको आहे सो छा कनि डिस्ट्रीब्यूट था कनि पावर प्लांट्स आहिनि बुटू आहे अञा ॿियूं बि शयूं आहिनि हाणे हेॾा वॾा अदारा जेकॾहिं IMF जे चवण ते हिकिड़े महीने में हिकिड़ो महीनो बि न बचियो आहे त कीअं ई प्राइवेटाइज़ कंदा इहो हिकिड़ो वॾे में वॾो सुवालु आहे छाकाणि त असांखे नाले न आहे त हीअ कीअं कयां पर जेकॾहिं तसवर बि कनि था त माना ईअं सम्झो त उहा एॾो फॉल्टी हूंदो एॾा नुक़्स हूंदा उन में हर माण्हू उन ते आङुर खणंदो त इहे फेवरेटिज़म आहे तंहिंजे करे अछा प्राइवेटाइज़ेशन मक़सदु इहो आहे त ट्रांसपेरेंसी हुजे माना बाक़ी एडवर्टीज़मेंट ते जेका कंपनी अचे उन सां निगोशिएशन कजे ऐं जेका वधि में वधि गवर्नमेंट खे पंहिंजा बेनिफिट ॾिए ऐं इम्प्लॉइज़ जेके आहिनि उन्हनि जो बि जेको आहे सो हक़नि जी इहो डिस्ट्रीब्यू प्रोटेक्शन कनि ऐं त उन खां पोइ ई हिनखे असां चई सघूं था न त तव्हां ॾिठो त इहो इन जे विया जे दौर में ऐं नवाज़ शरीफ जे दौर में जेका ही पंहिंजी सीमेंट फैक्ट्री हुई हैदराबाद जी उहा कीअं थी ॿिया कीअं थिया बलोचिस्तान हब में जेके आहिनि कंपनीज़ वयूं कराची में वयूं ॿियनि में त अञा ताईं हुननि ते माण्हू जेको आहे सो आङरियूं था खणनि जेको ट्रेक रिकॉर्ड रहियो आहे मिरानी साहिबु जेको ट्रेक रिकॉर्ड रहियो आहे मिसाल MCB बैंक जेका आहे उहा प्राइवेटाइज़ थी बैंकल हबीब जेका आहे उहा प्राइवेट HBL प्राइवेटाइज़ थी ऐं ॿिया खोड़ सारा इदारा मिसाल उहे हिकु प्राइवेट थिया त उनखां पोइ कहिड़ी बहितरी आई जी जी मां चयमि उनखां पोइ कहिड़ी बहितरी आई जॾहिं इहे इदारा प्राइवेट थिया हाणे ॿियो ई आहे थोरो हिन में हिकिड़ो न्यूट्रल ई था उन कयूं त वंस जेकॾहिं प्राइवेटाइज़ आहे जेकॾहिं उहा सही नथी करे परफॉर्म नथी करे सही कमु नथी करे त उनजो नुक़सानु थींदो उहो जेके जिन ख़रीद कई आहे उनजे मथां ईंदो इहो थींदो ऐं ज़ाहिर आहे हिते मार्केट आहे कॉम्पिटिशन आहे मिसाल जे तौरु जेको MCB आहे जेका बैंक अलाबी बैंक आहे मुंहिंजे ख़्याल सां रिलेटिवली उन्हनि जी बहितर कारकर्दगी जे करे हू डेली बाई डेली जेके उहे पंहिंजो हिकिड़े मिरानी साहब बिल्कुलु लास्ट में ॿुधाइजो त हाणे वे फॉरवर्ड छा आहे ऐं छा अवां सम्झो पिया त वे फॉरवर्ड बिल्कुलु ई अच्छा हिकिड़ो ॿियो तव्हांखे अहम ॿुधायां सूबनि जा जेके हिन मुफ़ाद आहिनि सूबनि जा हक़ आहिनि जेकॾहिं स्टील मिल जेके जेकॾहिं असां प्राइवेटाइज़ था कयूं उते 1700 acres ज़मीन आहे उनजो छा थींदो ऐं पाकिस्तान जे लॉ में मुताबिक़ आहे त जेकॾहिं उन अदारे खे तव्हां प्राइवेटाइज़ कयो था त पोइ उनजी ज़मीन जेको आहे उन प्रोविंस खे वापसि करणी आहे जेकॾहिं
हाँ, मिसाल जे तौर जेकॾहिं इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर खे प्राइवेटाइज़ सां कयो त पोइ वफ़ाक चई सघे थो त इहा असांखे ज़मीन ॾियो, जो लाहौर पंजाब चवे थो त इहा असांखे ज़मीन वापसि ॾियो, असांजी मर्ज़ी आहे उनखे उहो ई इस्तेमालु करायूं न करायूं। जेके पैसा जनरेट थींदा उहे कीअं डिस्ट्रीब्यूट थींदा वफ़ाक जे सूबनि में, इहो बि हिकिड़ो वॾो इशू आहे। तंहिंजे करे जेको वे फॉरवर्ड इहा आहे त जमहूरियत हुजे, अकाउंटेबिलिटी हुजे, इंसाफ़ हुजे, फ्री मीडिया हुजे, ऐं जेको राइट आहे, जेको एक्सप्रेशन जो राइट जो हक़ हुजे, ऐं जेका अदलिया आज़ादु हुजे, जॾहिं इहे बेसिक शयूं जेकॾहिं कंदो तॾहिं ई सम्झूं था त जेके प्राइवेटाइज़ेशन में माण्हुनि खे फ़ाइदो मिलंदो। वॾी महिरबानी, वॾी महिरबानी प्रोफेसर मुश्ताक मीरानी साहिबु, अतीक रहमान साहिबु, इंजीनियर अब्दुल जबर मेमण साहिबु, टिनि मौज़ूमान जी वॾी महिरबानी। ऐं नाज़रीन, नवां टिनि मुआशी माहिरनि जे प्राइवेटाइज़ेशन वारे मामले ते अवां हुननि जो तजुर्बो ॿुधो, ऐं टिनिनि जो इहो चवणु आहे त हीअ के प्राइवेटाइज़ेशन जो अमल थींदो उहो जेको माज़ीअ जो ट्रैक रिकॉर्ड रहियो आहे उहो शफ़ाफ़ियत वारा, उन ते सवाल पंहिंजी जाइ ते आहिनि, पर हिन सां का बहितरी अचण जो इम्कान नाहे। इहो त ईअं ई आहे त माण्हू मुश्किल हालतुनि में पंहिंजो घर खपाए छॾे, पंहिंजा सामान खपाए छॾे, ऐं हुकूमत बि ईअं पई करे। अगरि हुकूमत हिन वटि हुकूमत वटि हिन वक़्तु बि केतिरा ई ऑप्शन आहिनि जेकॾहिं हुकूमत चाहे त इहे इदारा बची सघनि था पिया, ऐं उन में हिकिड़ो अहम जेको ऑप्शन आहे उहो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वारो बि आहे। हुकूमत छा थी करे, हुकूमत छा थी करणु पई वञे, इहो त वक़्त ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम वक़्त में पुॼाणी थी थो पहुचे। असद मुमताज़ रेट खे ॾींदा इजाज़त, सदाई गॾु।